नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया अपना एमपी का, शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई। एक या दो दिन में कैबिनेट का गठन हो जाएगा, 18 से 20 मंत्री शपथ लेंगे, कुछ मंत्रियों के नाम तय हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, मालिनी गौड़ मंत्री बन सकती हैं, रमेश मेंदोला, हरिशंकर खटीक मंत्री बन सकते हैं, प्रदीप लारिया, नीति पाठक और कृष्णा गौर का नाम भी तय है, ये सूत्र बता रहे हैं। तुलसी सिलावट, विष्णु खत्री का नाम भी तय बताया जा रहा है। प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह पर मंथन जारी है। 23 या 24 दिसंबर को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। विजय वर्गीय को मिल सकती है प्रदेश संगठन में बड़ी जिम्मेदारी। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बस एक या दो दिन में फाइनल हो जाएगी कैबिनेट? बिल्कुल निश्चित तौर पर अपना ये माना जा रहा है कि सोमवार की शाम को शपथ हो सकती है। ये लगभग सूत्र बता रहे हैं कि ये लगभग तय है, और जिन नामों को लेकर न्यूज 18 लगातार बता रहा है कि ये वो नाम है जो लगभग तय माने जा रहे हैं। इन पर अंतिम मोहर लगना बाकी है, ये कहें कि घोषणा होना केवल बाकी है। देखिए, तमाम ये वो नाम हैं जो लंबे समय से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन जो सीनियर लोग थे वो मंत्रिमंडल में जगह पाते रहे और इन लोगों को स्थान नहीं मिला है। तो ऐसे में इन नामों को लेकर अब ये बताया जा रहा है कि आम जो सहमति है वो बैठक में बन गई है, चाहे वह रमेश मेंदोला हो, मालिनी गौड़ हो, प्रदीप लारिया हो, और इसके अलावा भी अगर बात करते हैं तो एरल सिंह कंसाना, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसीराम सिलावट, तो ये तमाम वो नाम है। रीति पाठक इसमें प्रमुख नाम है, सांसद रही है, दो बार वो जीत कर आई है। तो इन नामों पर बताया जा रहा है कि सहमति बन चुकी है और अब केवल नामों की अधिकृत घोषणा होना बाकी है। जिस तरीके से कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इन सभी नामों को लेकर चर्चा हो गई है और अब बस किसी भी वक्त राजभवन को सूचना दी जा सकती है। क्योंकि कल ये माना जा रहा है कि 25 तारीख इसलिए मानी जा रही है, 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, सुशासन दिवस के तौर पर बीजेपी इस दिन को मनाती है। और जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव ने जो शपथ ली थी उसके बाद उन्होंने कहा था कि राजा विक्रमादित्य की नगरी से आता हूँ, सुशासन की स्थापना करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, तो हो सकता है कि सुशासन दिवस के दिन शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। जी शैलेंद्र, कैलाश विजयवर्गीय को लेकर भी ये जानकारी सूत्र दे रहे हैं कि उन्हें प्रदेश संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर, देखिए मंत्रिमंडल में ज्यादा बड़े चेहरों को इसलिए शामिल नहीं किया जाएगा, देखिए काफी सीनियर नेता है वो, और 6 बार वो विधायक रह चुके हैं, 1 बार महापौर रहे हैं, कई राज्यों की संगठन की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रदेश के संगठन में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव भी हो, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बोले डेप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा, इसका निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा, विकास के रास्ते पर हम प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। सर मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक सर? वो सारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, पूरे संकल्प पत्र को पूरा करेंगे, 5 साल का जो संकल्प पत्र दिया उसको पूरा करेंगे और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में, विकास में हम लगातार इसको आगे बढ़ाएंगे। वही एक्शन में है सीएम डॉक्टर मोहन यादव, संभागों में जाएंगे, एसीएस करना होगा संभागों और जिलों का दौरा, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे एसीएस, योजनाओं की समीक्षा करेंगे एसीएस से सीधी रिपोर्ट भी लेंगे मुख्यमंत्री। अपर मुख्य सचिवों की ड्यूटी संभागीय मुख्यालयों पर योजनाओं और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग और सुपरविजन के लिए लगाई गई, 2 महीने में कम से कम 1 बार संभाग स्तर पर जिलों का भ्रमण कर और हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विकास कार्यों की समीक्षा करने का दायित्व दिया गया है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरह एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, एसीएस संभागों में जाएंगे, एसीएस को जिम्मेदारी दी गई है, एसीएस को जिलों का दौरा करना होगा, विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे एसीएस, योजनाओं की समीक्षा करेंगे और सीधी रिपोर्ट इनसे लेंगे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था में नवाचार, जबलपुर में लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम, ग्वालियर में लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम, भोपाल इंदौर के बाद 2 और शहरों में लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम, इससे पुलिस की ताकत बढ़ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम काफी सख्त है। तो जबलपुर और ग्वालियर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की बात निकलकर सामने आ रही है, 2 और शहरों में भोपाल और इंदौर के बाद ग्वालियर और जबलपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो सकता है और इस सिस्टम से पुलिस को और ताकत मिल जाती है।
ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले ही सीएम ने सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के इंदौर दौरे की। 25 दिसंबर को इंदौर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। 427 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हुकुमचंद मिल मजदूर के राशि वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मजदूरों को राशि बांटने के दौरान वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। तो इंदौर दौरा मुख्यमंत्री का 25 दिसंबर को तय किया गया है। 25 तारीख को इंदौर दौरे पर रहेंगे, जहां पर 427 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां 20 छात्रों को नोटिस दिया गया है। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में नोटिस भेजा है। छात्रों के बीच मारपीट का ये मामला है। यूनिवर्सिटी ने मामले को रैगिंग माना है। पीड़ित छात्रों ने यूजीसी एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में शिकायत की। शिकायत के बाद आरजीवीपी ने आरोपी छात्रों को नोटिस भेजा है। 27 दिसंबर को उपस्थित होकर नोटिस का जवाब देना होगा। आरजीपीवी कैंपस में ही आपस में भिड़े थे। पेपर देने आए छात्रों की पुरानी रंजिश को लेकर झड़प हुई थी। मारपीट के मामले को लेकर पीड़ित छात्रों के साथ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने थाने पर हंगामा किया था। गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला है। खबर रीवा से, जहां के गुड़ थाना क्षेत्र में एक युवक की सरेराह लाठी डंडों से पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो सामने आया है। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर युवक की जान बचाई, जबकि मारपीट कर रहे युवक हाथ में डंडा लिए युवक को जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। वीडियो रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत महसाव स्टैंड के पास का बताया जा रहा है, जहाँ एक युवक के साथ दर्जन भर लोगों ने लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। मारपीट की क्या वजह है, ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। खबर भिंड से, जहां नेशनल हाईवे पर बने पुल को 24 घंटे के लिए बंद किए जाने पर लोगों ने जान की परवाह किए बिना रेलवे पुल के सहारे नदी पार की। लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। इस दौरान गनीमत ये रही कि एक भी ट्रेन इस रेलवे पुल पर नजर नहीं आई। बता दें कि इस ट्रैक से रोजाना आधा दर्जन से ज्यादा मालगाड़ियां गुजरती हैं। अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। रोजाना गुजरती है मालगाड़ियां, बाल बाल बचे हैं लोग। यहां पर लापरवाही की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी, लेकिन 24 घंटे के लिए पुल बंद था। ऐसे में लोग जो है वो बाल बाल बचे। रतलाम में महिला की हत्या और उसे जलाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपियों ने गफलत में महिला को मौत के घाट उतार दिया और उसे पलंग पर ही जला दिया। पूरी घटना नामली थाने के रघुनाथगढ़ गांव की है, जहां मुख्य आरोपी कन्हैया लाल कीर ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। मृतक महिला के बेटे मुकेश गायरी ने आरोपी कन्हैया लाल के अतिक्रमण की शिकायत की। इससे नाराज होकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुकेश की हत्या करने की प्लानिंग की, लेकिन गफलत में आरोपियों ने महिला को बेटा समझकर मार दिया। है वहां पर एक महिला जली हुई हालत में मिली थी, जिसके अंदर मर्ग कायम करने के बाद में जब पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसके अंदर ये पाया गया कि उसके गले में और बाकी जगह एक स्टैबिंग वुंड भी है। तो उसमें तत्काल 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया। उसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को राउंडअप किया है, जिसमें एक व्यक्ति जो है कन्हैया कीर, जो वही का रहने वाला है, उसका किसी जमीन के ऊपर अवैध कब्जा था, जिसको ये महिला के बच्चे ने शिकायत कर वो कब्जा हटवाया था। और अब खबर मुरैना से, जहां पुलिस का छापा पड़ा है। कोतवाली पुलिस की रेस्टोरेंट और कैफे पर रेड हुई है। आपत्तिजनक हालत में 6 से 7 जोड़े मौके से पकड़े गए। कोतवाली थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार का मामला है। हॉरर हाउस और लेजेंडरी कैफे में छापा मारा गया है। सीएसपी के नेतृत्व में छापा मारा गया है। रेस्टोरेंट और कैफे पर यह रेड पड़ी है, जहां आपत्तिजनक हालत में जोड़े पाए गए हैं।
और कोतवाली पुलिस ने ये छापा मारा है। खरगोन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 8 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। शादी समारोह में शामिल होने आया था मासूम, जिसकी हत्या की खबर से हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो 8 साल की मासूम की हत्या कर दी, यहां शादी समारोह में ये मासूम अपने परिवार के साथ पहुंचा था। इसकी बाहर से शव मिला इसका, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार मासूम की हत्या किसने की। थाना चैनपुर में 21 की रात में एक बच्चा गायब हुआ था, जिसकी डेड बॉडी एक नाले में मिली है और प्रथम दृष्टया वो देखने में हत्या लगती है, हत्या प्रतीत होती है, और थाना चैनपुर में हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। विदिशा के कॉन्वेंट स्कूल में जय श्री राम बोलने पर बच्चों की पिटाई के मामले में अब केस दर्ज कर लिया गया है। बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के द्वारा जांच के बाद भारत माता कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। जांच टीम के मुताबिक पीड़ित बच्चों के बयान के बाद आरोप सिद्ध हुआ है। बता दें कि 9 नवंबर को कॉन्वेंट स्कूल में बाल दिवस के प्रोग्राम में कुछ छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। इसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने बच्चों की पिटाई की थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने जय श्री राम का नारा लगाया, इस पर बच्चों की पिटाई की गई, उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, ह्यूमिलेशन किया गया। हमने इस बारे में जांच करने के लिए यहाँ स्थानीय प्रशासन को लिखा था। स्थानीय प्रशासन की जांच रिपोर्ट हमको प्राप्त नहीं हुई। मीनवाइल हमको ये पता चला कि एक जांच टीम यहाँ पर आई थी। हमको यहाँ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस बारे में शिकायत भेजी थी कि एक जांच टीम यहाँ पर आई और बिना जांच किए वापस चली गई। बैतूल की बात कर लेते हैं, जहां के सावल मेढ़ा में 152 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू रीति रिवाज के साथ अपने मूल धर्म में घर वापसी की है। इन लोगों के हाथ में कलावा बांधकर गंगा जल पिलाकर और पैर पखाड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई गई। बताया जा रहा है कि मिशनरियों के लालच के चलते इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। बैतूल और महाराष्ट्र के अमरावती जिले के दर्जनों गाँव में कई परिवार ईसाई मिशनरियों के प्रमोटर्स के षड्यंत्र में फंस चुके हैं। धर्म परिवर्तन के हिसाब से तो भाई यानी शुरू स्टार्टिंग में लोभ लालच दिखा देते, लोभ लालच दिखाने के बाद में फिर हमारे यहाँ पैसा होता वैसा होता, ये इलाज करेंगे वो इलाज करेंगे, पैसा लगाएंगे नौकरी लगाएंगे, मगर नौकरी भी नहीं लगा पाते ना पैसा भी नहीं देते, आदमी को आधे में ले जा करके छोड़ देते। जो लोग आते हैं और यानी कि कोई बीमार व्यक्ति रहता है गाँव में, उनको बोलते कि इलाज कराने के लिए इलाज करा देंगे तुमको, उनको फायदा होगा, फिर उसमें फंसा लेते हैं। हाँ, और फिर लालच भी देते हैं उनको कि तुमको इतने पैसे मिलेंगे ऐसे मिलेंगे, फिर धर्म परिवर्तन कर देते हैं, फिर लालच भी देते हैं कि तुमको नौकरी मिलेंगी ये मिलेंगे, कोई नौकरी नहीं मिलती और फिर आदमी फंस जाता है। बेंगलुरु की तर्ज पर इंदौर के बिजी चौराहों पर येलो जंक्शन बॉक्स मार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। लैंटन चौराहे पर तो इसे लागू भी कर दिया गया है। जिन चौराहों पर ट्रैफिक ज्यादा है वहां जल्द ही येलो जंक्शन बॉक्स लगाए जाएंगे। ये उपकरण कैसे लोगों को जाम से निजात दिलाएगा, इसके लिए हमारे संवाददाता ने ट्रैफिक एक्सपर्ट सुमन सिंह से बात की है। आइए समझते हैं येलो जंक्शन बॉक्स कैसे काम करता है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जहाँ के ट्रैफिक को लेकर अक्सर सवाल भी खड़े होते हैं कि इंदौर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है या जो ट्रैफिक है वो उन शहरों में शुमार है जहाँ के ट्रैफिक हालात बस से बदतर वाली स्थितियाँ होती हैं। ट्रैफिक जाम की अगर बात करी जाए तो इंदौर में ज़्यादातर लगते हैं और कहीं ना कहीं इंदौर की ट्रैफिक बड़ी समस्या भी है। अब चलिए एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इंदौर के लैटन चौराहे पर मौजूद हूँ और एक तस्वीर देखेगा इन सड़कों से, शायद इन तस्वीरों को देखकर लोगों को लग रहा होगा कि चौराहे पर कुछ पेंटिंग की गई है, जेब्रा या दूसरे पैटर्न में आपको ये पेंटिंग नजर आएगी, लेकिन इस पेंटिंग के ट्रैफिक के अपने कुछ मायने हैं। ट्रैफिक के लिहाज से इसे डिजाइन किया गया है चौराहे पर। अब आखिर ये क्या डिजाइन किया गया है, क्यों किया गया है, इसे समझाने के लिए हमारे पास में ट्रैफिक से सुमन सिंह है, इन सब जानेंगे कि आखिर इसका क्या मतलब है और ये क्यों बनाया गया है।
देखिए ये एक तरह की रोड मार्किंग है और ये जो रोड मार्किंग होती है ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग के तहत आती है। जैसे कि किसी शहर के ट्रैफिक को मैनेज करना है तो उसके लिए इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी फोर ही काम करते हैं। तो इंदौर में ट्रैफिक इंजीनियरिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कार्य हो रहा है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और अब लोग समझ रहे हैं और देख भी रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे कि येलो कलर की बॉक्स मार्किंग है, ये येलो बॉक्स एक जंक्शन की तरह है। ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए इंदौर में एक और कदम उठाया गया है। खास तौर पे अगर इसकी बात की जाए तो देश में बेंगलोर में इसका सफल प्रयोग हुआ है, लंदन से इसकी शुरुआत हुई है। इसे समझना होगा कि अगर आप येलो जंक्शन बॉक्स में हैं, यानी ये हैवी ट्रैफिक को दर्शाता है कि यहाँ से ट्रैफिक निकलेंगे। इसके अलग अलग मायने हैं, कहाँ से एंट्री होगा, कहाँ से एग्जिट होगा और जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें पैदल जाना है। जो लोग पैदल पार करते हैं सिग्नल्स को, उनमें बीच से नहीं जाना है। तो ये ट्रैफिक के एक रूल्स है जिसे दर्शाया गया है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ट्रैफिक को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस समय कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विकास के मामले में मेरी अपनी भी और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और सभी लोगों की भावना है कि विकास के मामले रुकना नहीं चाहिए। किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट के अलावा जनहितैषी योजना भी नहीं रुकेगी। और हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में 2028 में कुंभ मेला आएगा और कुंभ मेला जिसको हम सिंहस्थ कहते हैं और सिमस्त के सभी विकास कामों में भी उसी प्रकार से हम अपनी पूरी ताकत लगा करके वो दृष्टि देने वाले हैं, जिसके आधार पर अभी तक के सबसे अच्छे मेले में कोई भराएगा तो अपना मध्यप्रदेश का सिमस्त मेला 2028 का रहेगा। और हम सब उसकी भूमिका बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से, आपके मन में भी कोई अच्छा आइडिया हो, विकास के मामले में अच्छा सुझाव हो जो प्रदेश की बेहतरी के लिए अच्छा हो सकता है और चलने वाली योजनाओं में भी कोई सुझाव हो और किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम सब मिलकर के सारे लोग जब चुनाव होते तो हम अलग अलग दल के लोग हो सकते हैं, अलग अलग भूमिका में हो सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम सब एक हैं, सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर के जो अच्छा हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इस बार विधानसभा में भी सबने मिलकर के हमारे सभापति का निर्वाचन सर्वानुमति से किया था। मैं कांग्रेस पक्ष को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस बात का साथ दिया और जचा पक्ष क्या विपक्ष सबने मिलकर के सदन भी चलवाया और सदन चलने के साथ से लगा करके जो मूल भाव है कि विकास के मामले में हम एक दूसरे का साथ लेकर आगे बढ़ते हुए और नए नए कीर्तिमान बनाए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नगर निगम उज्जैन को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। एक शपथ, हाँ जो शपथ इसकी कर लेते हैं, जरा अपने हाथ आगे कर ले सारे के सारे लोग। स्वच्छता की शपथ दिला रहा हूँ, जो जहाँ है अपने घर में परिवार में सबके साथ लेकर के ये शपथ को स्मरण रखे। स्वच्छता की शपथ, हम शपथ लेते हैं कि बाबा महाकाल की इस पुण्य नगरी उज्जैन में स्वच्छता बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, अपने घर, गली मोहल्ले बाजार को साफ रखने में सहयोग करेंगे। इसके लिए निकलने वाले कचरे को अलग अलग करके कचरा वाहन में ही डालेंगे और घर से निकलने वाले गीले कचरे से खाद बनाकर अपने घर में पेड़ पौधों के लिए उपयोग करेंगे। ना तो गंदगी करेंगे, ना ही किसी को करने देंगे। बाजार जाते समय कपड़े का थैला लेकर के जाएंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। पान गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थलों पर नहीं थूकेंगे। उज्जैन को स्वच्छता में, ये खाली बोलने वाली बात नहीं, करके दिखाएंगे, ध्यान रखना, नंबर वन लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने झाड़ू खुद लगाकर यहां पर देखिए किस तरह से अपने अपने इलाके को साफ रखना है, इस बात का संदेश भी दिया।
वहीं बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, जो दिल्ली दौरे पर हैं, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है, अमित शाह से मिले हैं विष्णुदेव साय, साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव भी उनके साथ मौजूद रहे, विजय शर्मा भी मौजूद रहे अमित शाह के घर पर। ये मुलाकात की है विष्णुदेव साय ने, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और साथ ही उप मुख्यमंत्री दोनों भी साथ में मौजूद रहे, विजय शर्मा और अरुण साव भी। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली दौरे पर जब अमित शाह से मुलाकात की है उस दौरान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आइए अब देखते हैं टॉप 20।